तो फ्रेंड चलिए मेरे साथ, आज आपको मैं उदयपुर की सैर कराती हूँ, लेकिन जो मैंने देखा मैं वही आपको दिखाऊंगी, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था। एक दिन में हमने माउंट आबू और उदयपुर का सफ़र तय किया, तो काफ़ी थक चुके थे, लेकिन जो यहाँ का नज़ारा था सारी थकावट दूर हो गई। और मैं आपको दिखाती रहूँगी आगे कि किस तरह से हम पहाड़ियों के बीच में से निकलती हुई सड़कों के साथ गुजरने का जो आनंद होता है वो। और ये देखिए उदयपुर को जाने वाली जो सड़क के बीच में जो गुफा होती है, पहाड़ों को काट के बनाई गई गुफा, उसमें से हम एंट्री करते हुए निकलते हुए, और काफ़ी लंबी गुफा थी ये, मैंने थोड़ा वीडियो फास्ट किया हुआ था, और काफ़ी रोचक नज़ारा था ये देखने के लिए, क्योंकि हमने इतना लंबी सुरंग पहले कभी नहीं देखी थी। और आज का जो सफ़र था बहुत ही ज़्यादा सुहाना, मौसम भी काफ़ी आसियाना था, और खूबसूरत नज़ारे, ठंडा ठंडा मौसम, ठंडी ठंडी हवाओं के साथ जो इस सड़क पे जाने का जो आनंद था ना वो बता नहीं सकती मैं। काफ़ी रोचक जो ये मेरा सफ़र रहा, काफ़ी सुंदर, काफ़ी खूबसूरत जो मेरा सफ़र रहा, मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह से पहाड़ियों की वादियों से निकलते हुए हम आगे बढ़ रहे थे। और ट्रैफिक भी इतना नहीं था कि सिरदर्दी वाला ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था, आप देख रहे हैं बिल्कुल खाली सड़क थी, और ऐसी खाली सड़क में मज़ा ही आ जाता है ट्रैवल करने का। तो आप देख रहे हैं किस तरह से हम निकल रहे हैं पहाड़ियों के बीच में से, और ये नज़ारे आप देख के, आप वीडियो को देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खूबसूरत रहा होगा हमारा ये सफ़र। और हम यहाँ पर चल रहे हैं आगे तैयारी के लिए, तो अब चलते हैं हम आगे, तो फतेह सागर लेक चलते हैं, और वहाँ पर आज हम कुछ इन्जॉय करने वाले हैं, कुछ देखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो टाइम था हमारा, 3:00 का टाइम था, तो इस टाइम मतलब भीड़ भी नहीं थी, और जो नौका है वो खड़ी हुई थी, और इसमें जाने के लिए सवारी भी बहुत कम थी, तो ये चल नहीं रही थी, क्योंकि आपको पता है जब भी ये नौका भरेगी तभी जाके ये चलेगी। तो ये फतेह सागर लेक है, तो यहाँ हम घूमने की सोच रहे थे, लेकिन ये जब नाव वाले बोल रहे थे कि मतलब इकट्ठे सारे होंगे तभी चलेगी, तो हमें इतना टाइम नहीं था जाने के लिए, तो हम नहीं जा पाए। तो आप सामने देख सकते हैं ये करणी माता का मंदिर है, और मुझे बहुत इच्छा थी यहाँ पर जाने के लिए, लेकिन टाइम नहीं होने की वजह से हम करणी माता के मंदिर नहीं जा पाए, क्योंकि वहाँ जाने के लिए हमें कई घंटे लग गए। उदयपुर के सहेली की बाड़ी और काफ़ी अच्छा पार्क बताया जा रहा है, देखते हैं अंदर किस तरह से है। तो आप लोग भी हमारे साथ एंजॉय कीजिए, देखिए ये सहेलियों का बाड़ा, हम आ गए हैं, सहेलियों का बाड़ा है ये महारानी का बना हुआ, और इसमें मैं आपको पूरे में घुमाती हूँ और आपको दिखाती हूँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ हमने देखी। इसमें अच्छा प्रेशर है, इमली का पेड़ है सारी, पहले पेड़ के नीचे खड़े हुए हम बहुत देर तक, क्यों अंग्रेज आ गए, इमली को ना आई और
काय के जब हम वो लग रहे पेड़ पौधा से जब हम आएगा तो बीता अच्छा फूल उलन के से अभी हम वो चला दिए बच्चों अब अंदर वीडियो अलाउड नहीं है। सावन भादो झुके हुए पेड़ काई के पेड़ है आज ही है पाम के नारियल के नारियल ही मोसी पाम है ये पाम हां पाम पाम है काई है ये कितने बड़े बड़े हो रहे हैं अब तो नहीं चल रहा ये कितने को कितने भयंकर चल रहा है वो चल और का ए ए चल तो हम यहाँ पर सहेलियों के बाड़े में आए हैं और काफी मतलब अंदर पेंटिंग काफी सारी लगी थी बहुत पुरानी पुरानी थी 1960 से 61 के और काफ़ी पुरानी पुरानी पेंटिंग थी लेकिन वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था। और ये पार्किंग है आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर देखने जैसी जगह है बहुत अच्छी जगह है। उधर से निकलो चाहे इधर से निकलो बात तो एक ही है कमल तलाई इसमें ये कमल के फूल इस टाइम है नहीं ये कमल तलाई है ये जो हैं हाँ। लोग खड़े होंगे और दो जोर से ताली बजाएंगे आवाज करेंगे तो जितना आवाज होगी उतनी तेज ये ऊपर चलेंगे अब एक ताली से थोड़ी होता है तो पिछली बार गार्ड को ताला तो बजा के नहीं होता है सब तेज हो रहा है कमल के फूल नहीं खिले हुए ना सुबह सुबह के टाइम खिलते शाम के टाइम खिलते घास देखो कौन सी लगी है जंगली है ये अपने आप उगी हुई है ये कलर इनका ऐसा है पेड़ों का ये देखिए कई साल पुराना पेड़ है
ये मोरपंखी पेड़ कितना बड़ा, कभी देखा आपने इतना बड़ा पंख? मोरपंखी, ये सारे मोरपंखी पेड़ हैं, काफ़ी बड़े बड़े, पता नहीं कितने साल पुराने हैं ये। मम्मी वो यही आखों की है, आ जा कम गया वो मन्नो, ये वैसे घास में गुलाब गुलाब कई बदबू मारी है वो पकड़ के ले पकड़ पीले पीले फूलों के साथ में। ये हमारी डॉल गर्ल, इसको यूट्यूब पर डाल वीडियो पे डालूंगी इसे। देसी गुलाब ही है सारे, ये राजा की बावड़ी है, मेरी और शिवम की, मतलब उदयपुर में कुछ नहीं है, मेरी और शिवम की है क्या बावड़ी, आदमशाही की बावड़ी, हम मैं तोड़ लूँ फुटवा दो निकलते। इधर तो अच्छा लग रहा था, पीले पीले फूल भी हैं, पार्क भी है। ये गद्दी सी, यही तो लगाई हुई है उसने। फोटो खींचा जा अपन दोनों को। बस इसी के साथ हमारी ये सहेलियों की वाड़ी का होता है अंत, और अब निकला है हम बाहर।